बैठे हमने गाड़ी में, देखो यहाँ पे हो रही बैटरी चार्ज, साथ में और अपडेट। कैसा आप लोग सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी अपने यहाँ ट्रायम्फ का शोरूम अपनी बाइक की सर्विस कराने, और अभी बज गए हैं 11, सुबह के 11 बज गए हैं। धूप देख रहे हो भाई, बहुत तेज़ हो गई है। और आज मैंने अपना नया हेलमेट, AGV का नया हेलमेट पहना है, क्योंकि इसका माउंट मैंने मंगाया था, GoPro का माउंट हेलमेट में लगाने के लिए। AGV का अलग से आता है, तो वो इंडिया में फ़िलहाल मिल नहीं रहा था, मिलता है कि नहीं मिलता मेरे को पता नहीं, तो मेरे को बाहर से मंगाना पड़ा है। तो बहुत दिनों के बाद आया, तो मैंने उसको अब लगा के अपना GoPro लगाया, तो मज़ा आ रहा है इस हेलमेट को पहन के भाई। थोड़ा टाइट है, नया हेलमेट थोड़ा टाइट है, एक्स्ट्रा स्मॉल है साइज़ ना हेलमेट का, तो वो थोड़ा टाइट लग रहा है, धीरे धीरे लूज़ हो जाएगा इसकी पैडिंग। भाई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, गाड़ी चलाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा है। और अपनी गाड़ी में ना लो फ्यूल हो गया है, फ्यूल अप भी कराना है, मतलब बहुत दिन से हम गाड़ी निकाले नहीं थे, तो खड़ी खड़ी बेचारी पेट्रोल लाइन ही स्टार्ट कर देते थे बस, मतलब हफ्ते में एक दो बार स्टार्ट कर देंगे, बैटरी इसकी ख़राब मत होए। और फिर खड़ी रहती थी बेचारी, देखो किसी धूल धूल हो गई है, पीछे टायर में हवा भी कम बता रहा है, पीछे वाले टायर में हवा भी डालाना पड़ेगा, पेट्रोल डालते और हवा डालते हैं सबसे पहले। पीछे हवा, बाप रे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हालत खराब हो गई है। चल रही है यहाँ पे तगड़ी चेकिंग भाई, हमारे गाड़ी में ना सामने नंबर नहीं है, इसलिए मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे। सामने ना नंबर मडगार्ड में लिखवाना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे ना राइड पे आए थे शायद, या फिर ना ट्राइम का शोरूम में ओपनिंग में आए थे, तो अपने ग्रुप के हार्ले डेविडसन जो अपना आर्यन भैया चलाते हैं, आर्यन भैया की गाड़ी रोक ली थी पुलिस यहाँ पे, 500 का चालान कटा था उनका। और बस अपन पहुँचने वाले हैं ट्रायम्फ रायपुर। भाई बहुत दूर है भाई, हालत ख़राब हो गई इतने धूप आने में, एक तो ना गाड़ी इतना हीट फेंक रही, पूरे पैर जल रहे हैं मेरे, शूज़ पहनने के बाद भी पैर एकदम जल रहे हैं। अपना मैंगेटो मॉल, यहाँ से लेफ्ट लेना है अपन को सर्विस लेन में, और सामने ट्रायम्फ का शोरूम है।
ये आ गए अपन ट्रैंक को शोरूम, और सर्विस के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा मुझे आइडिया नहीं है, एक पूछ लेता हूँ। अपन पीछे आ गए हैं सर्विस के लिए, गाड़ी यहीं पे खड़े करता हूँ। चले गए अंदर भाई, बहुत धूप है। तो अपन पहुँच गए सर्विस सेंटर और बैठे हैं यहाँ पे, एसी चालू करके, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अपनी गाड़ी अंदर आ गई है, थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी गाड़ी, उसके बाद फिर सर्विस स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे मुझे भी आइडिया नहीं है, तो अपन देखेंगे। और पीछे बन रहा है हनुमान जी का बजरंग बली का गाना, तो चलो चलते हैं अंदर और अपन अपना मैं पूरा शोरूम घुमाऊंगा अंदर पे, एक बार आपको एक्सप्लोर कराऊंगा पूरा शोरूम में क्या क्या है, ठीक है? तो बस थोड़ी देर दो मुझे, थोड़ा सा ठंडा हो जाऊं मैं इतनी गाड़ी लग, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अपनी गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे, और ये लाइट्स अच्छी लगाया हुआ यहाँ पे, गाड़ी छिड़ती है यहाँ पे, फोटोज अच्छी आएगी। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, थोड़ी देर ठंडी होगी फिर आपको वहाँ दिखाऊँगा, फिर सामने नई बाइक्स खड़ी कौन सी आपको दिखाऊंगा। बाकी सर्विस सेंटर है ट्राइम का, यहाँ पे भी न्यू बाइक्स खड़ी है और कुछ कुछ गाड़ी सर्विस होने की खड़ी है। तो शोरूम है मुझे एक घंटे से ऊपर हो गया है और अब जाके मेरी गाड़ी ठंडी हुई है और काम चालू हो गया है, तो अभी ऑयल चेंज करा जा रहे हैं, ये काला काला ऑयल। तो उसका ऑयल फिल्टर है जो कि नया लगेगा अभी, यहाँ पे पुराना वाला होता रखा हुआ है, क्या अपने पुराना। टोटल 3.5 लीटर ऑयल जो कि डल रहा है अभी यहाँ पे, और अब चलता हूँ मैं थोड़ा आपको चल के सामने कि ना ये बाइक्स दिखाता हूँ, चलो चलते हैं। बीच में है अपनी एक न्यू बाइक आई है जो कि खड़ी इधर छुप के, गैस करो कौन सी बाइक है ये, डेटोना 660 मैट ब्लैक कलर में है ना भाई, बहुत ही प्यारी दिख रही है। गाड़ी सर्विस हो रही है, अपन वापस अपनी गाड़ी के पास आए हैं, अपनी गाड़ी सर्विस होती ना तो अपन को अपनी गाड़ी देखना अच्छा लगता है, चाहे कोई भी गाड़ी आसपास खड़ी हो फिर ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा अच्छी लगनी चाहिए गाड़ी हमारी सर्विस होके, और क्या हो रहा है सर्विस में वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी भी वॉश हो गई है, फुल चमक रही है ना। तो यहाँ बैठा डे जाता हूँ, तो मैं अपनी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अभी गोप्रो से अपना माउंट मंगाया है, ये देखो। तो मैं ये लिया था हेलमेट अपने HGV का, और इसमें देखो ये मैंने लगा दिया है अपना GoPro, इसमें धूल कितनी लग गई है। तो ये देखो यार अमाउंट मैंने लिया है इसमें चीन माउंट, जो कि HGV का अलग सा था, मैंने इसमें देखा अलग से नीचे अंदर 3mm की टेप लगा के इसको लगाया, और ये एकदम इतना टाइट हो गया कि इसमें ना डायरेक्ट मैं इससे भी उठा दूँगा पड़ गए तो हेलमेट उड़ जाएगा, इतना अच्छे से ये फिक्स होकर लग गया, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और मैंने अंदर इसमें माइक वगैरह भी लगा के सेट कर दिया है, दिखेगा कि नहीं अंदर दिख तो नहीं रहा, माइक इतना छुपा के लगाया माइक का वायर के यहाँ से अंदर, जो कि रिकॉर्ड हो रहा, बट मेरे को पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा होगा, आज ही घर जाके वीडियो एडिट करूँगा तो पता चलेगा कि इसमें कैसा वॉइस रिकॉर्ड हुआ है। बाकी मज़ा आया ये हेलमेट पहन के आज गाड़ी चलाने में। तो अपनी गाड़ी आ गई भाई वॉश होके खड़ी है घर पे, देखो मैं चीज़ दिखाता हूँ भाई, गाना बज रहा है भाई, जल्दी बंद करना पड़ेगा वीडियो। तो अपनी गाड़ी फुल सर्विस होके रेडी है, अब
जाते हैं मेन काम करने, यहाँ का बिलिंग अपना खर्चा करने कितना लगेगा देखते हैं चल के। वही अभी तक बैठे हमने गाड़ी में, देखो यहाँ पे बहुत ही बैटरी चार्ज साथ में, और अपडेट यहाँ पे चल रहा है, भाई कम से कम आधा घंटा हो गया। तो भाई ये ताम जाम हो गया कंप्लीट, इतना ताम जाम हो रहा था भाई, दिमाग खराब हो गया, एक घंटा इसी में वेस्ट हुआ है। तो अपनी गाड़ी हो गई है सर्विस और हम निकल गए वापस अपने घर की ओर। भाई अभी शोरूम में भी हवा डलाया हूँ और मैं डला के भी आया था, फिर भी इसमें हवा कम बता रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अब लग रही है मुझे भूख, जाते थे रास्ते में कुछ खाऊंगा या फिर घर जाके खाऊंगा सीधा, देखते हैं। शाम के 5 बज गए हैं, आज पूरा दिन सर्विस कराने में निकल गया, एक तो इतना दूर आना है, आधा एक घंटा आने जाने में वेस्ट, उसके बाद वहाँ पे गाड़ी ठंडी करने में वेस्ट हो गया भाई टाइम, क्योंकि गाड़ी खुद गर्म थी, गाड़ी ठंडी की, उसके बाद सर्विस चालू हुआ। सर्विस ज़्यादा कुछ नहीं, ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, चेन लूप क्लीन हुआ और वॉश किए, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। बाकी अपडेट्स किए जो कि कुछ कुछ है गड़बड़, क्योंकि मेरा अभी भी यहाँ पे साइन दिखा रहा है सर्विस का, बाकी डेट चेंज कर दिए बट फिर भी दिखा रहा है, तो अभी होगा नहीं होगा तो फिर बाद में एक बार रायपुर आते आते एक बार और दिखाना पड़ेगा। से रायपुर जा रहा था तो भी इतना ट्रैफिक था, अब रायपुर से घर जा रहा हूँ तो भी इतना ट्रैफिक, गाड़ी 40-50 के ऊपर जा ही नहीं रही भाई। भाई सर्विस कॉस्ट ना मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बड़ी गाड़ी, मतलब बड़ी गाड़ी मीन्स ऐसे कोई सुपर बाइक अगर ले रहे हो तो मिनिमम 10,000 बना के चलो सर्विस कॉस्ट, मिनिमम कम से कम 10,000 भाई। सामान से ज़्यादा ना सर्विस चार्ज लगता है भाई, मान लो मैं अभी ऑयल चेंज कराया, ऑयल फिल्टर चेंज कराया, 4,500 का हो गया भाई, उससे ज़्यादा तो लेबर चार्ज लग गया भाई मेरा, क्या ही बोलूँ मैं। तो हम घर पहुँचने वाले हैं और आपको इस वीडियो में बस इतना ही दिखाना चाहता हूँ मैं। अब मिलूँगा आपको मैं नेक्स्ट संडे मतलब परसों मिलूँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को जाने से पहले जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं ऐसे कुछ बढ़िया से वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।